घर की चीज़ों से बनाइए हेल्दी और टेस्टी गुलाब जामुन। आज मैं आपको विधि बताऊंगी। देखिए, मैंने 500 ग्राम मावा लिया, इसमें 25 ग्राम रवा और इसमें मैंने डाला है करीब 50 ग्राम गेहूं का आटा। आपको बस इसी मात्रा में लेना है और आटे को अच्छे से गूंथना है। बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करें आप। देखिए, इसमें क्रेक नहीं है मेरे आटे में और इसके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है आटे को। अब मैं आपको बॉल से बनाना बताऊंगी। ये ऐसे मेरे आटे में बिल्कुल भी क्रेक नहीं है, इसके गुलाब जामुन बिल्कुल भी टूटेंगे और फटेंगे नहीं। इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल से बनाइए। पहले इनको तोड़ लीजिए इस तरह से और बिल्कुल छोटे बॉल से बनाना है आपको, क्योंकि घी में डालने के बाद ये अपने आप फूल जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। इसमें करीब मैंने 25 ग्राम रवा और गेहूं का आटा 50 ग्राम डाला था और इसी की वजह से आपके गुलाब जामुन ना बहुत अच्छे फूलेंगे घी में डालने के बाद। और देखिए, गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी क्रेक नहीं है। इसी तरह आपको बनाना है। देखिए, इस तरह से मैं दूसरे बॉल से भी बना रही हूँ। बिल्कुल आपको हाथ को दबा के लेना है और अच्छे से बनाना है, एकदम गोल गोल। इसमें क्रेक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए, सारे बॉल से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें गर्म घी में मैं इनको डाल रही हूँ। मेरा घी थोड़ा सा कम है, मैं इसकी भी मिस्टेक आपको बताऊँगी कि घी मैंने कम क्यों लिया। आपको दिखाने के लिए ही कम लिया है मैंने घी, क्योंकि मुझे तो अच्छे से प्रैक्टिस है, मैं कम घी में भी अच्छे से बना लूँगी। लेकिन कम घी में क्या है कि गुलाब जामुन फूट जाते हैं। फूटने की वजह यही होती है कि हम घी या फिर तेल की मात्रा बहुत कम रखते हैं, इसी वजह से गुलाब जामुन हमारे फूट जाते हैं। और देखिए, मैं आपको मावा बनाने की विधि भी बताऊंगी कि मावा किस तरह से बनाया जाता है गुलाब जामुन का। आप उसी तरीके से बनाइए तो आपका एक भी गुलाब जामुन नहीं फूटेगा। देखिए, आपको आँच को बिल्कुल धीमी ही रखना है, धीमी आँच पर पकाइए। अगर आप आँच को तेज़ कर देंगे तो आपके गुलाब जामुन नीचे से काले हो जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे और अंदर से भी अच्छे से नहीं पकेंगे। देखिए, मैंने आँच को और भी धीमा कर दिया था। इसी तरह से ये देखिए, देखिए मेरे गुलाब जामुन ना फूटने की पोजीशन पे आ गए। बस इसकी वजह ये है कि मेरे पास ना घी थोड़ा सा कम है, मैंने आपको बताने के लिए ही कम घी डाला है। आप घी या फिर तेल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही डालिए, तभी आपके गुलाब जामुन फूटेंगे नहीं। अब मैं एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ इसके बाद का, उसे आप ध्यान से देखिए कि मैंने उसमें कितना घी डाला है और कितनी मात्रा में गुलाब जामुन मैंने डाले हैं। बस आप उसी मात्रा में डालिए और अच्छे से डूब जाने चाहिए गुलाब जामुन घी में, तभी आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, कुछ कुछ गुलाब जामुन ना फूटने की पोजीशन पर आ गए हैं। अब ध्यान से देखिए, ये घी की कमी की वजह से ऐसा होता है, नहीं तो गुलाब जामुन कभी नहीं फूटते हैं। गुलाब जामुन को 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, आपको लगातार अब चलाना है, नहीं तो एक साइड से कच्चे रह जाएंगे और एक साइड से बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा, इसलिए आपको लगातार चलाना है इसी तरह से, ताकि आपके सारे गुलाब जामुन बिल्कुल एक जैसे बनेंगे एक कलर में। ये देखिए, एक जैसे बने हैं। मैंने थोड़ा सा कमी कर दी थी, कुछ कुछ गुलाब जामुन फीके दिख रहे हैं। देखिए, अब मैं इसमें घी डालूँगी, क्योंकि मेरा घी बहुत कम है और इतने कम घी में गुलाब जामुन ढंग से नहीं बनेंगे। ये मैं ले रही हूँ मालवा कंपनी का घी है। देखिए, डाला है मैंने, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। इसी कंपनी का घी मैं यूज़ करती हूँ, अच्छा आता है ये। तो देखिए, मेरे घी की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। अब आपको घी को अच्छे से गर्म करना है। देखिए, घी अच्छे से गर्म हो रहा है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने कर दिया था इसको। अब इसी गर्म घी में आपको गुलाब जामुन डालने हैं और जो आँच है उसको बिल्कुल धीमी कर दीजिए, एकदम धीमी आँच पर आपको इसे पकाना है करीब 2 मिनट तक। ऐसे आपको लगातार चलाना है और कुछ सेकंड आपको रुकना है, फिर आपको चलाना है। इसी तरह से आप बराबर सही समय से आप चलाते रहिए तो आपके गुलाब जामुन है ना बिल्कुल एक कलर में बनेंगे। ऐसे नहीं कि एक साइड से बिल्कुल खूब सीख गए हैं या फिर डार्क हो गए हैं। ये देखिए, मेरा घी ज़्यादा था मात्रा में था, तो देखिए मेरा एक भी गुलाब जामुन नहीं फूटा है और देखिए बिल्कुल एक कलर में बने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कम घी में जो गुलाब जामुन फ्राई किए थे
ये देखिए ऐसे फूट गए थे क्योंकि घी या फिर तेल की मात्रा आप कम रखेंगे तो इसी तरह से फूट जाएंगे। बस यही वजह होती है कि बार बार गुलाब जामुन हमारे फूट क्यों जाते हैं। चाशनी में भी आप डालेंगे ना इस तरह के गुलाब जामुन तो वो भी फूट जाएंगे। ये देखिए मैंने उबलती हुई चाशनी में गुलाब जामुन में डालूंगी लेकिन मेरा एक भी गुलाब जामुन फूटेगा नहीं क्योंकि मैंने इनको बहुत ही धीमी आंच पर फ्राई किया है। आप इसी तरह धीमी आंच पर फ्राई कीजिए। ये देखिए उबलती हुई चाशनी में डाल रही हूँ। हलवाई भी बस इसी तरह से उबलती हुई चाशनी में डालते हैं। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में ही मेरे गुलाब जामुन है ना सारी चाशनी में डूब जाएंगे। देखिए तैयार है हेल्दी और टेस्टी गुलाब जामुन। घर के बने हुए गुलाब जामुन है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही देखिए गुलाब जामुन कितने खूबसूरत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बने हैं। बस आप इसी तरह से बनाइए।